हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल रेसिपीज़। फ्रेंड्स, गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है और गर्मियों में हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ ठंडा ठंडा सा जूस पिए जो समर कूलेंट हो और हमें अच्छा लगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्मोक्ड पुदीना छाछ। उसके लिए हमें कुछ सामान इकट्ठा करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए हमें। यहाँ मैंने 3/4 कप पुदीना लिया हुआ है, आधा कटोरी के करीब धनिया पत्ती ली है। अगर आप इसमें पुदीने का फ्लेवर कम और धनिया का फ्लेवर ज़्यादा करना चाहते हैं तो पुदीने की पत्तियाँ कम कर दीजिए और धनिया पत्ती ज़्यादा कर दीजिए। 200 ग्राम दही लिया है मैंने, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची ली है। बनाते समय सिर्फ 1 हरी मिर्ची यूज़ करूँगी मैं, थोड़ा भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा काला नमक और थोड़ा सफ़ेद नमक। हम शुरू करते हैं अपना पुदीना छाछ बनाना। एक मिक्सी के जार में मैंने पुदीने की पत्तियां और धनिया की पत्तियां ले ली हैं। इसमें मैं डालूंगी 1 हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े। अब इसकी एक चटनी बनाएंगे हम, थोड़ा सा पानी डाल करके। ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चटनी तैयार कर ली मैंने, अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी और साथ में कुछ आइस क्यूब्स ऐड करूंगी क्योंकि छाछ है तो वो ठंडी अच्छी लगती है। इसको ब्लेंड किया मैंने और अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने पुदीना, धनिया, मिर्ची, अदरक सब डाली है तो थोड़े भी छिलके दांत के नीचे आए तो अच्छा नहीं लगता। इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये हमारा मसाला छाछ, पुदीना मसाला छाछ लगभग रेडी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ठंडा पानी और ऐड करूंगी और थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और भुना जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर। हमें लाल मिर्च भी, हरी मिर्च भी डाली है हमने, तो हम काली मिर्च पाउडर थोड़ी ही डालेंगे। ये हमारा पुदीना मसाला छाछ रेडी है। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ एक बड़ा बाउल लिया मैंने और एक छोटा कोल का टुकड़ा है, इसको गैस पे रख के मैंने गर्म कर लिया था अच्छे से। इसको एक कटोरी में रखा है। अब किनारे से इसमें हमने जो छाछ बनाई थी वो डाल देंगे। जो कोल हमारा है वो गरम है, उसके ऊपर डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा, 1 हरी मिर्ची और 1 चम्मच घी। घी डालते ही कोल में से धुआं निकलने लगेगा तो हम तुरंत इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे क्योंकि हमें इसमें स्मोकी फ्लेवर चाहिए और अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो ये पूरा स्मोक बाहर निकल जाएगा जो कि हम नहीं चाहते। देखिए, मैंने इसको कवर करके रखा है, फिर भी इसमें किनारे से धुआं निकल रहा है। 5 मिनट तक हमें इसको कवर करके रखना है ताकि हमारे पुदीना चाट में पूरी तरह से स्मोकी फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, ये इतना अच्छा लग रहा है इसमें से धुआं निकलता हुआ। ये हमारा स्मोकी पुदीना चाट रेडी है सर्व करने के लिए। सर्व करते टाइम आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर स्प्रिंकल करिए और पुदीने के पत्ते से सजाइए और सर्व करिए। ये हमारे छाछ रेडी है सर्व करने के लिए।